गुड आफ्टरनून एवरी वन वेलकम टू रिलायबल माई नेम इज सी एस शर्मा हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट फिजिक्स एट रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा एंड आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आई टी बॉम्बे देखो बच्चों जिस तरह से हमने फैब अटैम्प्ट में जई मेन e. के क्वेश्चन को मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनको रिट्रीव किया बच्चों की मदद से सिमिलरली इसमें भी हम उसको रिट्रीव करने जा रहे हैं और आज हम मार्च अटैम्प्ट के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं इसको इतनी जल्दी रिट्रीव करने में बड़ी मेहनत लगती है बच्चों की भी लगती है और टीचर्स की भी लगती है और लेकिन इसका पर्पज जो है वो बड़ा सिंपल सा होता है उन सारे विद्यार्थियों को एक मेंटल पीस देता है जिन्होंने अभी पेपर अटैम्प्ट किया है उन विद्यार्थियों को एक आने वाले पेपर का थोड़ा सा इंसाइट देता है जो कल और परसों पेपर देने वाले हैं प्लस जो अप्रैल और मई में, में एग्जाम देंगे और ये जो एनालिसिस होता है इसका फायदा बरसों तक उन बच्चों को होता रहता है जो मेन की तैयारी करते हैं यानी कि ये जो आज आप एनालिसिस देख रहे हैं इसी एनालिसिस का फायदा 2022-23-24 में जो मेन देंगे उन बच्चों को भी होता है तो अभी फिलहाल मैं ये कमेंट नहीं कर सकता कि क्वेश्चन पेपर इजी था टफ था मॉडरेट था लेकिन जो पहले दो क्वेश्चन का रुझान है उस रुझान को देखते हुए मुझे पेपर थोड़ा इजी कैटेगरी का ही लग रहा है इट इज इन द लाइन विद द टेस्ट पेपर्स ऑफ फेबरी अटेम्प्ट जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट शिप यू हैव यू हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तो जैसा कि हम जानते हैं दोनों में बराबर एनर्जी होती है एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होती है हाफ एप्सल नॉट ई स्क्वायर दिस इज टोटल एनर्जी डेंसिटी इसका वन बाई टू पोर्शन वन अपॉन फोर एफ नोट ई स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है और दूसरा वन बाई टू पोर्शन विच इज बी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर म्यू नोट वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है और हम जैसे कि जानते हैं बी और ई e को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है ई इज इक्वल टू बी इंटू सी आप लिख सकते हो और C जो है वो होता है बच्चों वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इफ नॉट इफ यू आर राइटिंग वेलोसिटी इन एयर और वैक्यूम सो ये एक कह सकते हो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं है इफ़ यू नो इट यू विल आंसर इट तो इसका आंसर आएगा थ्री क्वेश्चन विल फॉल अंडर इजी कैटेगरी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव so this was the first question scoring question now coming to the second question which is from error analysis we, again it is a simple question you are given a relation resistance is equal to voltage upon current and if i take logarithm on both sides i can write ln r is equal to ln v minus ln i because the changes are very small so i can take partial differentiation del r divided by r is equal to del v divided by v minus del i divided by i so uh, there is a error of plus minus 0 0.2 in current there is an error of plus minus 2 in voltage and i want to calculate maximum permissible error in रेजिस्टेंस। so if I want to calculate डीआर बाय आर का मैक्सिमम वैल्यू, then it will be प्लस माइनस डीवी बाय वी प्लस माइनस डीआई डिवाइडेड बाय। you want to know the percentage error, so you can this is fractional error, and if you want to calculate percentage, you have to multiply by 100. so how much is del v? by the way it is two कितने पर टू है फिफ्टी पर तो प्लस माइनस साइन के साथ ही आ गया कितनी एरर करंट में है इट इज पॉइंट टू कितने पर है ट्वेंटी पर है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जब आप इसको सौ से और मल्टीप्लाई करोगे तो जो परसेंटेज एरर आएगी दैट विल बी प्लस माइनस फोर परसेंट ओके यहां भी सौ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस वन परसेंट सो इट विल बी प्लस माइनस फाइव परसेंट दिस विल बी एरर यानी कि प्लस माइनस फाइव परसेंट की एरर इसमें आएगी क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा और ये जो क्वेश्चन है ये जिस चैप्टर में आता है वो है एरर एनालिसिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर एंड अगेन दिस इज इजी क्वेश्चन हियर यू कैन सी दैट यू आर गिवन सम्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क एंड हीट एंड एज वी नो दैट वर्क इज अ पाथ फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे वर्क अलग अलग होता है गैस का और गैस के ऊपर क्योंकि वर्क अलग अलग होता है तो हीट भी अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइनिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू सो दिस डिपेंड्स ऑन पाथ एंड दिस डिड इफ दिस डि ऑन पाथ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ये पॉइंट फंक्शन होते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हो सो दिस इज पॉइंट फंक्शन सो वर्क इज अ पाथ फंक्शन एनर्जी चेंज इज अ पॉइंट फंक्शन बट इन दोनों का सम हीट होता है चेंज इन हीट होता है और जो भी आप लेना चाहें और रिजेक्टेड तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर हम यहां पे अप्लाई करें तो हीट इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन ये पॉइंट फंक्शन नहीं एक्सटेंसिव फंक्शन कौन से होते हैं जैसे जिनको मेजर किया जा सकता है जैसे मास हो गया वॉल्यूम हो गया इंटेंसिव फंक्शन कौन होते हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते जैसे कि डेंसिटी हो गया तो ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है आपको इंफॉर्मेशन है तो हो जाएगा और अगर नहीं है तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है तो अभी तक के जो तीनों क्वेश्चन हैं तीनों ईजी कैटेगरी में हैं और ईजी कैटेगरी हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर